बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं बहुत मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको वाइट बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस कर दिया कीजिए ताकि नए आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास फ़ौरन पहुँच जाएँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम कुछ आए हैं, चलिए आइए सबसे पहले उन्हें नोट डाउन कर लेते हैं। 800 ग्राम मैंने चिकन लिया है, यानी एक किलो से थोड़ी सी कम। अगर आप एक किलो लेना चाहें तो ले सकते हैं। दो लार्ज साइज़ की प्याज हैं, उन्हें पानी डाल के पेस्ट बनाएं, आप दो कप भर के समझ लें। एक कप इसके अंदर दही है, एक कप इसके अंदर चार मगज़ और बादाम का पेस्ट है। 20 बादाम और दो टेबलस्पून भर के चार मगज़ मैंने गर्म पानी में भिगोए, फिर बादाम के छिलके उतार के उनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। आप बादाम काजू का पेस्ट भी ले सकते हैं और चार मगज़ काजू का पेस्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये छोटी वाली हरी मिर्चों का पेस्ट है। इसको बनाने की एक टिप बता रही हूँ कि अगर आपकी मशीन के अंदर मिर्चें नहीं पीस रही हों तो एक छोटी सी प्याज को बारीक काट के डाल दें तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। अगर आप कम खाते हैं तो बड़ी वाली मिर्चें भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने एक गड्डी पुदीने के लिए उसे चॉप कर लिया है मोटा मोटा, एक गड्डी हरे धनिए के लिए डंडियाँ हटा के सिर्फ पत्ते जो हैं उन्हें चॉप कर लिया है, एक इंच के करीब अदरक का टुकड़ा लेके उसको जूलियन काट लिया है, 8 से 10 छोटी वाली मिर्चें हैं, 1/2 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर है, उसके अलावा 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून दखनी मिर्चें। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे इन्हें। इसके अंदर 1/4 जायफल है और 1 जावित्री का फूल है, तो ये मैंने पीस लिया है। 1 टेबल स्पून फुल भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है और जो गरम मसाला हम इसमें डालेंगे उसमें 2 बादियान के फूल हैं, 4 छोटी इलायचियाँ, 3 बड़ी इलायचियाँ, 12 से 15 काली मिर्चें, 2 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 6 लौंगें और 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये हम घी में बनाएंगे। आप वनस्पति या देसी कोई भी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वनस्पति घी इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन 2 टेबलस्पून देसी घी चावलों को दम पे रखते वक्त उसके अंदर डालूंगी। चावलों के लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 6 टीस्पून नमक डाला है क्योंकि हमारे 3 पाव चावल हैं। ये छोटी वाली तेज़ वाली मिर्चें हैं, ये मैंने 8 ली हैं, ये चली जाएंगी इसके अंदर। 4 तेज़पत्ता जाएंगे, आप देखें छोटे छोटे हैं, अगर बड़ा हो तो आप जो है वो 1 या 2 ले लीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ये बादियान के फूल हैं, देखें ये एक छोटा सा है एक बड़ा है, 1.5 चाहिए था मुझे तो मैंने ये एक छोटा बड़ा ले लिया है। इसके अलावा इसमें छोटी छोटी सी 3-4 दालचीनी की स्टिक्स डाल रही हूँ, बड़ी हो तो 1 ही डालिएगा। इसके अलावा इसके अंदर हैं 6 लौंगें और 4 छोटी इलायचियाँ। ये तमाम चीज़ें डाल दी हैं, कवर लगा के पानी को अच्छा सा जोश आने देंगे और जोश आने के बाद इसमें चावल डाल के हम उन्हें 80% तक बॉईल करेंगे। पानी को जोश आने के बाद मैंने चावल डाल दिए हैं, अब मैं इन्हें अच्छे से बॉईल करूंगी और जब ये 80% बॉईल हो जाएंगे तो मैं इनको पसा लूंगी और उसके बाद एक साइड पे छन्नी के अंदर ही छोड़ दूंगी। इस टाइप पे आपको एक मैं टिप दे रही हूँ, 2-3 टेबल स्पून भर के इसमें सिरका डाल दें तो ये बिल्कुल बैठेंगे नहीं, खिले खिले रहेंगे। चावल हमारे बॉईल हो गए और आप देखिए कितना बड़ा चावल है ये, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ, खिला खिला चावल है। बस ये 80% बॉयल हो गया है, 2 करनी है इसके अंदर। जितनी देर में मैं इसे पसाऊंगी इतनी देर में थोड़ा सा और हो जाएगा, तो बस मैं इसे अब छन्नी के अंदर डाल रही हूँ। तकरीबन 2.5 सर्विंग स्पून के करीब मैंने घी लेके उसे गर्म करने रखा है पतीली में। इसमें हम ये सारा गर्म मसाला डाल देंगे। हल्का से इसे कड़कड़ाएंगे, जैसे ही ज़रा सा क्रैकल करेगा हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हम भुनेंगे प्याज के पेस्ट को, लेकिन इसी वक्त हम इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। तो ये चला जाएगा नमक, काली मिर्च और दखनी मिर्च, ज़ीरा पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर। हाँ
फुल आंच के ऊपर इसे अच्छे तरीके से मैं खुला ही भून रही हूँ ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए। प्याज का मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लिया है, इसके अंदर अब चली जाएगी चिकन। साथ ही चला जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही चली जाएगी पिसी हुई हरी मिर्चें। अच्छा, ये मैं शुरू में कम डाल रही हूँ, चखने के बाद और डालूंगी। इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे और चिकन का कलर चेंज होने और उसका पानी खुश्क होने तक अच्छे तरीके से इसे तेज आंच पे भूनते रहेंगे। चिकन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है। इस बिरयानी को पकाने का सिर्फ एक ही टिप है कि आपने किसी चीज को भी जलने नहीं देना। अब इस वक्त इसके अंदर चला जाएगा ये फेटा हुआ दही। साथ ही चला जाएगा ये मेलन सीड्स और बादामों का पेस्ट। इसे पहले अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इस वक्त इसके अंदर मैं आधा ग्लास पानी का डालूंगी, इसे मिक्स करूंगी और अब मैं चिकन को पूरा अच्छे तरीके से गलने तक पका लूंगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक पतीली है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नीचे तवा रख दीजिएगा और मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाइएगा, क्योंकि जैसे ही ये काजू का पेस्ट पकना शुरू होता है या बादाम का पेस्ट पकना शुरू होता है तो वो चिपकने लगता है। तो ये टिप दे रही हूँ आपको। इसे कवर लगाते हैं और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे पका लेते हैं। तो देखिए, चिकन तकरीबन हाफ डन हो गई है और मैंने खुद इसके अंदर तवा रखा है नीचे, क्योंकि मेरा पैन जो है थोड़ा पुराना है तो मुझे डर था कि लग ना जाए, और मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पका रही हूँ। इस वक्त इसके अंदर हम दो चीज़ें ऐड करेंगे, एक तो जाएगा लेमन जूस, ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, तो 2 टेबलस्पून के करीब मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। और उसके अलावा इसमें चली जाएंगी हरी मिर्चें। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो फिर आप इन्हें भी हरा धनिया और पुदीने के साथ डालिएगा, मैं थोड़ा सा पहले डाल रही हूँ। अब मैं आंच को फुल कर दूंगी और चिकन के अंदर का पानी सिर्फ 1 कप तक बाकी रखूंगी और उसके अलावा इसे भून लूंगी और चिकन को अच्छे तरीके से गला लूंगी। चिकन मैंने रेडी करके बड़े पतीले के अंदर ट्रांसफर कर लिए और इसके अंदर अब बिल्कुल सिर्फ गाढ़ा मसाला है, कोई इसके अंदर पानी नहीं है। इस वक्त इसके अंदर ये अदरक की मैं एक लेयर लगाऊंगी, साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डालूंगी। अब हम इसके ऊपर चावल डालेंगे। तो चावल डालने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जब मैं आपसे बात कर रही थी तो मैंने ये छन्नी में एक दफा के चावल निकाल लिए थे, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो जब मैं बोलती हूँ तो वो इतनी देर में ज्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ, थोड़े से चावल पहले निकाल लेती हूँ। तो ये चावल पहले डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर बाकी के चावल डाल देंगे। चावल की लेयर लगाने के बाद दोबारा थोड़े सी अदरक डाल रही हूँ बाकी बची हुई, और बाकी बचा हुआ हरा धनिया पुदीना भी डाल रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी सी तली हुई प्याज भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा बचा हुआ मसाला, जो कि मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रखा था ताकि मैं ऊपर से डालूंगी, 2 सर्विंग स्पून के करीब मैंने बचाया था। अब इसके ऊपर हम डालेंगे देसी घी, तो 2 टेबलस्पून देसी घी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। आप इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, इस वक्त मैं नहीं डाल रही। इसको मैंने तह लगा लिया है, इतनी देर मैंने तवा जो है वो तेज आंच पे गरम करने रख दिया है। अब मैं कपड़े का दम लगाऊंगी इसके अंदर, पहले 5 मिनट मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर और उसके बाद अगले 10 मिनट मीडियम लो फ्लेम के ऊपर हम इसे दम लगाएंगे और उसके बाद हम इसे खोलेंगे और सर्व करेंगे।
तो हमारी बहुत ही मज़ेदार वाइट बिरयानी बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कलर से कि ये बिल्कुल ईजी है बनानी। सिर्फ आपको एक ख्याल रखना है कि इसके किसी भी इंग्रेडिएंट को आपने जलने नहीं देना, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाने की ज़रूरत है। तो इसे ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक दीजिएगा, और अगर आप इसे पसंद करें और इसे ट्राई करें तो इसकी एक तस्वीर मेरे फेसबुक पेज के ऊपर मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। मेरे चैनल को अपने दोस्तों में और फैमिली में शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।